फोकस बढ़ाने वाले इस वीडियो को भी यदि आप पूरा फोकस से नहीं सुन पाए तो फिर प्रॉब्लम है भाई, देख लेना ये वीडियो आपको डेफिनेटली फोकस बढ़ाने के तरीके प्रैक्टिकल वे में सिखाएगा, लेकिन फोकस के साथ पूरा सुनना। चलिए सुनाता हूं, और वो है फोकस। हर स्टूडेंट इसको लेकर कंसर्न रहता है कि मैं पढ़ाई में कैसे अपना फोकस बढ़ाऊं, न सिर्फ पढ़ाई में किसी भी गोल में। ये टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आज कैसे आप लोगों को फोकस बढ़ाना सिखाने वाला हूं, उसके पहले मैं बता दूं मोटिवेशनल लेक्चर्स दो तरह के होते हैं। एक वो जिन्हें सुनते समय आपको बहुत मजा आता है, आप तालियां बजाते हो, हंसते हो, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है तो आप जिंदगी में समझ नहीं आता आपको कि आपने अचीव क्या किया, कैसे क्या अचीव करना है। आप उस वक्त बहुत खुश हो रहे थे, सुनते समय लग रहा था कि बहुत कुछ गेन कर रहे हो, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। तो इस वीडियो में मैं आपको दावा कर दूं और वादा कर दूं कि इस वीडियो में फोकस बढ़ाने के जो टिप्स हैं वो प्रैक्टिकल होंगे, जो आपके रियली काम आएंगे। और एक्चुअली फोकस कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, मैं आपको रियल लाइफ जिंदा जिंदगियों से समझाने वाला हूं, जो कि एम्स टॉपर हैं। यस, एम्स एंट्रेंस में फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, इस तरह की रैंक्स वालों के मैं तीन अपने दोस्तों के एग्जांपल्स देकर आपको बताने वाला हूं। आप समझ सकते हैं यदि आप नीट वगैरह देते हैं या एम्स देते हैं तो, कि एम्स एंट्रेंस में टॉप करना मतलब किसी भी एग्जाम को टॉप रैंक से निकालने की कैपेबिलिटी होना, जैसे कि इवन यूपीएससी आईएएस वगैरह भी। तो एम्स एंट्रेंस में जो लोग टॉप करते हैं उनमें आईक्यू, मेमोरी, एटीट्यूड, ये सब तो होता ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त होता है कुछ, तो वो है फोकस। तो वो क्या करते हैं, फोकस कैसे बढ़ाते हैं? तो मेरा जो रूममेट है डॉक्टर विजय वाघ, मेरे 3 साल सीनियर डॉक्टर सौरभ कपूर, और मेरा एम्स में रहा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड वो है अनुराग वाजपेयी। ठीक है, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है, ऑल टाइम बेस्ट फ्रेंड मेरे दो ही हैं, उनमें से एक मैं आपको बता रहा हूं, विजय वाघ, जो कि इस वक्त इंग्लैंड में है और ऑप्थल्मोलॉजी में बड़े हॉस्पिटल में, दुनिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में से एक सीनियर कंसल्टेंट है। बहुत छोटे से परिवार का, उसके पापा एक छोटे से पोस्ट ऑफिस में बहुत छोटी नौकरी पर थे, और आज उसके पास सब कुछ है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू जैसी कारें और ये सब कुछ है। ठीक है, वो सुनेगा तो मुझ पर गुस्सा होगा ये सब बताने के लिए, लेकिन आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं ये बता रहा हूं। और ही इज डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क, रिसर्च वर्क मेरे साथ। हम लोग तकरीबन 8 साल साथ रहे एक रूम में। ठीक है, तो मैं उसको वो बताऊंगा कि वो क्या करता था और कैसे फोकस बढ़ाया जाता है। डॉक्टर सौरभ कपूर ऑल इंडिया रैंक 1 किसमें, पीएमटी में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जबलपुर मेडिकल कॉलेज से ही एमबीबीएस करना तय किया, क्योंकि उनके पापा यहां पर सर्जन थे और उसके बाद डीन भी बने थे, प्रोफेसर थे। एम्स से उन्होंने फिर उसके बाद एमएस किया, एम्स एंट्रेंस में भी रैंक 1। यस, एमसीएच फोड़ दिया, इसके बाद यूएस गए, हांगकांग गए, उनका धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल जो मुंबई में है उसमें वो एक बड़े लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है, इंडिया के टॉप मोस्ट में से एक। ठीक है, मेरे इर्द गिर्द हम लोग साथ में जो खेलते खाते रहे उनका एग्जाम्पल दे रहा हूं। और डॉक्टर अनुराग वाजपेयी एक जीनियस, जो कि मेरे फ्रेंड थे एम्स में, हम लोग सीनियर रेजिडेंसी में साथ में थे, और वो अब अनुराग जो है कानपुर में रीजेंसी हॉस्पिटल में एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इन तीनों को मैंने कुछ ट्रेट्स सिमिलर से तीनों में। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बता दूं। देखो, फोकस के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, सुट्टा मारते हैं, कोई कुछ क्या करता है, चाय पे चाय गटका जाता है, कोई शंख पुष्पी वगैरह पी रहा होता है, तो कोई किताब लेके अगरबत्ती वगैरह जलाता है, भगवान से बोलता है आज मुझे अच्छे से पढ़ने देना, और दिमाग को लगाता है। लेकिन दिमाग में तो घूम रहा है वो लड़की अलग है, ये लड़की वो लड़की, और जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग उनको ये खेल और वो खेल घूम रहा है, स्वाभाविक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम लोगों के भी दिमाग में ये सब घूमा करता था, लेकिन उन लोगों के भी दिमाग में, हाँ ये टॉपर जरूर थे लेकिन थे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भाई, तो उनके भी दिमाग में घुमा करता था। बट फोकस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा इंग्रेडिएंट है, कैसे आपका फोकस बढ़ सकता है, जल्दी से मैं बस कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कर रहा हूं। आप लिखो कमेंट में आपको क्या लगता है फोकस बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। उम्मीद है आपने लिख दिया होगा, अब मैं बताता हूं फोकस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या है। फोकस एक्चुअली एक फल है, एक बाय प्रोडक्ट है, फोकस अपने आप में कोई इंग्रेडिएंट नहीं, कोई मूल नहीं। ठीक है, फोकस बाय प्रोडक्ट है किसी और चीज का, उसकी जड़ अलग है, और वो जड़ है डिजायर। आप में कितनी अदम्य इच्छा है उस चीज को अचीव करने की, यह निर्धारित करेगा आपका उस चीज में फोकस बढ़ाना। ठीक है,
मतलब कि मैंने इन तीनों में जो देखा, इन लोगों में हमेशा से डिजायर थी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर करने की और किसी भी एग्जाम में फोड़ देने की, टॉप करने की, सब कुछ याद करने लेने की, बुक्स याद कर लेने की, ये डिजायर थी इन लोगों में। ठीक है, तो डिजायर जो है ना वो मूलभूत कारण है, तब आप फोकस बढ़ाते हो। सबसे बड़ा जो हमारे जो इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा फोकस का जो एग्जाम्पल दिखाई देता है वो क्या है, वो अर्जुन का। अर्जुन जो है सिर्फ और सिर्फ उनको चिड़िया की आंख नजर आ रही थी और कुछ नहीं, और जबकि बाकी सबको, युधिष्ठिर को, भीम को, दुर्योधन को कुछ 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 और नजर आ रहा था, और द्रोणाचार्य ने सिर्फ इस वजह से अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुष्धर बोल दिया था बिना निशाना लगाए। तो वो फोकस जो है, वो फोकस क्या अर्जुन को, वो चिड़िया की आंख क्या फोकस थी? नहीं, अर्जुन का वो फोकस अच्छे से अच्छे धनुष्धर बनना, दुनिया का सबसे बड़ा धनुष्धर बनना, ये जो डिजायर थी उसने ये फोकस उत्पन्न किया था। तो आपको खुद को ये टटोलना है कि आप जो अचीव करना चाहते हैं, जिस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, या जो भी भविष्य में बनना चाहते हैं, उसकी कितनी डिजायर है भीतर, वो आपको कितना मोटिवेट करती कि मुझे ये चीज सीखना है या मुझे ये बनना है। उसेन बोल्ट और बाकी जो धावक हैं, उसेन बोल्ट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं रनिंग में, उनमें और बाकी धावकों में सबसे बड़ा फर्क क्या है पता है? इस डिजायर का। जो उसेन बोल्ट में ये डिजायर थी कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट बनना है। माइकल फेल्प्स ने 12 साल की एज में जाकर कोच को कहा था अपने कि मैं सर एक दिन ओलंपिक चैंपियन बनना चाहता हूं, और ओलंपिक जीत लिया। जब 15 साल की एज में ओलंपिक में एंटर हो गया था वो, और अगले साल उसने अगले ओलंपिक में ओलंपिक के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। तब उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ऑल टाइम बेस्ट स्विमिंग बॉडी बनना चाहता हूं, जैसा कोई ह्यूमन बीइंग ना हुआ अपने कोच से। तो ये जो डिजायर थी ना, तो बाय प्रोडक्ट था वो स्विमिंग करना या मेडल जीतना, डिजायर भीतर होनी चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों में मैंने जो देखा वो ये डिजायर थी, डिजायर टू एक्वायर नॉलेज, डिजायर टू एक्वायर साइंटिफिक नॉलेज ऑफ मेडिकल नॉलेज बेस्ट पॉसिबल वे में, इन तीनों में ये देखा। ठीक है, अब आते हैं हम, ये तो आंतरिक चीज थी, अब मैं कुछ बाहरी तत्व बताता हूं फोकस को आपको बढ़ाने के। तो आंतरिक के बाद ही बाहरी शुरू होंगे, पहले आपको वर्क आंतरिक पर करना होगा। ठीक है, दूसरी गलती जो करते हैं सब लोग स्टूडेंट्स, वो है पॉस्चर। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं, गलत पॉस्चर में आप बैठेंगे तो ज्यादा देर नहीं पढ़ पाएंगे, ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, ज्यादा याद नहीं रहेगा। याद रखें, प्रकृति ने हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल एरिया में सारी कॉग्निटिव फंक्शंस दिए हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस मतलब मेमोरी के, एनालिसिस के, चीजों को सॉल्व करने के, तो ये पीछे का एरिया ऑक्सीपिटल कहलाता है, फ्रंट का एरिया जो सामने है ब्रेन का हिस्सा, वहां पर कॉग्निटिव सेंटर है, वहां याददाश्त है, सब कुछ है। तो आपका ब्लड फ्लो जब आप ऐसे रखते हो सिर को, तो सामने उस एरिया में ज्यादा होता है, जिससे आप ज्यादा देर तक पढ़ पाते हो, ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो, ज्यादा याद होता है। वही आप लेट कर पढ़ोगे या ऐसे ढीलम ढाला कहीं भी धस कर पढ़ोगे, तो एक तो ज्यादा देर नहीं पढ़ पाओगे, आपकी बॉडी जवाब देगी, दूसरा ब्रेन में वहां पर ब्लड फ्लो नहीं होगा प्रॉपर, इस वजह से आपकी जो कैपेबिलिटी है वो कम रहेगी। तो याद रखो, पॉस्चर को बेहद अहमियत देना है। मैंने विजय को, मेरे रूममेट को, जो कि अपने आप में टॉपर है और दुनिया के सबसे अच्छे ऑप्थल्मोलॉजिस्ट में से एक है, उसको 10-10 घंटे एक चेयर पर प्रॉपर सिटिंग पोस्चर में बैठे हुए देखा है। जिस दिन वो आप कर पाओगे, आप भी ये बन पाओगे। ठीक है, तो पोस्चर, पोस्चर को बहुत कम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर तीसरा नंबर पर आता है फन, फन बनाना चीजों को, मतलब क्वेश्चंस को, पढ़ने को एक, मतलब हमेशा बोरिंग वे में नहीं पढ़ा जाए। इसीलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकालने के लिए बेस्ट होता है कि ऑब्जेक्टिव को खूब सॉल्व करो। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में गेम जैसा मजा आता है जब आपको बनते हैं तो, और जो नहीं बन रहे उसको टिक कर लिया, फिर पढ़ा, और उसके चारों ऑप्शंस को रिट्रोगेट पढ़ाई करें तो उसमें मजा आएगा, रेदर देन की बुक को जस्ट पलटा के पढ़े जा रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा फन बनाइए, कोई आपका दोस्त हो तो उसके साथ बैठ के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, उसको अपना चेक करने दे दीजिए, सॉल्व करने के बाद एक दूसरे का चेक कीजिए। और याद रखिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लोजेस्ट वन के साथ कॉम्पिटिशन और जलन मत रखिए, क्योंकि आपका सामना पूरी दुनिया से, आपका कॉम्पिटिशन इस हार्श दुनिया की रियलिटी और जिंदगी से, तो अपने जो क्लोजेस्ट वाले से क्या कॉम्पीट करते हो यार, उससे क्या जलते हो, उससे क्या अपनी गाइड छुपाते हो, उससे क्या अपने नोट छुपाते हो, ये सब बंद करो। ठीक है, वो आपको फैसिलिटेट करेगा दुनिया से जीतने में। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे नंबर, ये तीसरा हो गया ना, चौथे नंबर पर मैं बोलना चाहूंगा व्यसन। बहुत सारे लोग जागने के लिए, रात रात भर जागने के लिए सिगरेट विगरेट का सहारा लेते हैं, इससे बिल्कुल दूर रहिए। ये आपके दिमाग की मेमोरी सेल्स को कम करेगा। हिप्पोकैम्पस एक एरिया होता है छोटा सा ब्रेन में, उसमें सेल्स की संख्या कम होती जाती है सिगरेट विगरेट पिए तो, जिससे कि मेमोरी पे लॉन्ग टर्म में दुष्प्रभाव पड़ता है, तो इन सबसे दूर रहिए। हाँ, कॉफी पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लेना।
कॉफी जो है हमारी मेमोरी सेल्स को बढ़ाती है। तो यदि आप 2 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी दिन भर में पीते हैं तो ये आपके ब्रेन के लिए अच्छा है और आप ज्यादा जाग भी सकते हैं ज्यादा देर तक। लेकिन 5वें नंबर पे जो आता है, स्लीप डिप्राइव करना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के समय में अपनी नींद को खराब करते रहते हैं, कम देर सोते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है, वो गलत है। मेरा रूममेट जो विजय है वो 6 घंटे सोता था, मैं 9 घंटे सोता था। दो तरह के लोग होते हैं, मैं 8 से 9 घंटे, ये बायोलॉजिकल है। कुछ लोगों को 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, कुछ को 9। यदि आपको 6 घंटे की नींद पर्याप्त है तभी और रिफ्रेश फील करते हैं आप, तभी इसको ऑप्ट करें। अदरवाइज अपनी नींद को पूरा 8 या 9 घंटे लें, क्योंकि दिमाग हमारा नींद में ऑटो करेक्ट मोड में जाता है जिससे रिपेयर हो रही होती है चीजें, ठीक है। और अब अगला पॉइंट है, आई थिंक कौन सा 7वां होगा 6वां होगा, देख लीजिए। अगला पॉइंट है जो आपको करना है वो है खुद को आइसोलेट। यस, यदि आप कोई बड़ा गोल लेकर चल रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को निकालने का, तो बहुत सारा ये यहां वहां इससे उससे इंटरेक्ट, चैट कर रहे हो, ये कर रहे हो, इस दोस्त से मिल रहे हो, वो दोस्त से मिल रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, इसको कम कर दो या बंद कर दो। एक दोस्त आपका काफी है, 2 दोस्त काफी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के समय में। टीवी से अपने आप को टोटली दूर रखो। क्यों? क्योंकि आप जितना लोगों से मिलोगे कहीं ना कहीं आपका दिमाग वो लोग डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई बात बताकर, कोई टेंशन देकर, कोई क्रिटिसाइज करकर, कोई तारीफ करके, इस तरह से, ठीक है। तो उस चीज को आपको एक साल के लिए आप ये मान के चलो कि अपना गोल ऐसा सेट रखो कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में चीजों को क्लियर करना है। अपने आप को समय मत दो जिससे कि आप बहुत ज्यादा जील से, बहुत ज्यादा उत्साह से पढ़ सको। ऐसा सोचो कि मैं तो बस ऑलमोस्ट डूब रहा हूं यदि मैं तैरा नहीं तो, ठीक है। तो उस वक्त आपको जो है खुद पर भरोसा रखते हुए अपनी दुनिया में अपना रनिंग कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, थोड़ा फ्रेश जरूर रहें, मतलब फिटनेस 20-25 मिनट आधा घंटा रोज जरूरी है। तो ये थे पॉइंट्स, मैंने ऑलमोस्ट सारे बता दिए, ठीक है। तो ये फोकस बढ़ाने के पॉइंट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। यदि इस वीडियो को भी आप फोकस नहीं कर पाए थे ना और सुन पाए थे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस वीडियो को आप कंपेयर कर लेना बाकी दुनिया के मोटिवेशनल लेक्चर से, तो देखो बहुत अच्छे लेक्चर्स होते हैं लेकिन वो एंटरटेनिंग नहीं। मुझे, मेरा उद्देश्य है कि आपको प्रैक्टिकल टिप्स मिले रियल लाइफ से और जिसको आप एक्चुअली आजमा सको। इन पॉइंट्स को आजमा कर तो देखो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी और मैं यही चाहता हूं। मेरी जीत, मेरी कोशिश, मेरा हार्डवर्क यदि आप अपने जीवन में जीत पाए तो मैं इस, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी। ये जो ये पर्पस है, ये जो काम है, इसको मैं सफल मानूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और जब जीत जाओ तो दूसरों की हेल्प करना।